जाएगा, छली भर के जाएगा। बोल से तेरा कितना लगेगा? बाहर अंदर गोली बंदा तेरा बोल कितना है? जल्दी बोल, जल्दी बोल। लगा लगा लगेगा लगेगा। अभी खुलता है, अभी खुलता है। सब की किस्मत का ताला अभी खुलेगा। 10 का 20, 20 का 40, 100 का 200। लगा उसका दिखता क्या है? पलट, तेरा ध्यान किधर है? लगा साइड, लगा भर के, लगा भर के मिलेगा। खाली हाथ आएगा, झोली भर के जाएगा। सोचने का टाइम नहीं है पब्लिक के पास में। लगी साइड, लगी। हाँ बोल, तेरा क्या? हाँ लगा लगा लगा, जल्दी लगा। बोल भाई, लाल शर्ट वाला तेरी भी लगा। हाँ भाई, खुलता है साइड, खुलता है, जल्दी खुलेगा। अब खुलेगा किस्मत का ताला। अच्छा, ये हाथ सफाई से लोगों को बेवकूफ बना रहा है, कुछ करना होगा। ये बादशाह खेलो, खेलो तमाशा देखो, खेल शुरू होता है। चलो लगी लगी। लगी लड़ी, खुलता है सेठ, खुलता है सेठ। हाँ हाँ, सौ वाला। सेठ के 3 पत्ता रख दिया, अब भर के लगाओ, भर के मिलेगा। 10 लगाओगे 20 मिलेगा, 20 लगाएगा 40 मिलेगा, 40 लगाएगा 80 मिलेगा, 80 लगाएगा 160 मिलेगा। लगाओ सर। लगा पीली शर्ट वाले, क्या दिखता है? सोचने का टाइम नहीं है। ओए कालू शाह, क्या करता है? लगा तू लोकंडे। हाँ खुलता है सेठ, खुलता है। लग गया, लग गया, जीत गया। पकड़ पैसा, पैसा हाथ में, पैसा पकड़। हाँ ए चलती फिरती दुकान, इशारा क्या करता है उसको? खेलने का तो सीधा खेल, पर तेरी दुकान है ना, लेकिन निकल ले। अरे भाई साहब, आपको क्या कष्ट हो रहा है? हम यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं और इनकी मदद कर रहे हैं, क्यों भाई साहब? हमको कष्ट नहीं हो रहा है, हमको तकलीफ हो रहा है। पैसा है तो खेलो इधर। बिल्कुल भाई साहब, अब आपके लिए हम आपकी मदद करें। चलिए पैसा निकालिए। पैसा कैसे निकाले? देखिए हमारे तो दोनों हाथ बड़े बड़े हुए। कोई बात नहीं, हम आपकी तरफ से खेल लेते हैं। अरे नहीं, ये 100 रुपए नहीं, अरे अरे पर नहीं, हमें नहीं खेलना भाई। खुलता है नहीं, हार गए। पर हम लाओ 100 रुपया। अरे पर कैसे पैसा निकला? हमने तो खेला नहीं भाई। पैसा नहीं है तो सामान लाओ। अरे अरे अजीब दादा के लिए, अरे नहीं नहीं भाई, हमको नहीं खेलना भाई। सामान लाइए। अरे पर ये 300 रुपया। अरे नहीं भाई, 300 रुपया किस बात का भाई? हमने अरे हमारा सामान ला भैया, सामान ला। अरे अरे सुनते करिए आप लोग। अरे पर माइक कहाँ आ रहा? अरे भाई साहब, आप क्या कर रहे हैं? आप सारी बात में क्यों ये लोग के मुंह लग रहे? अरे पर इन लोगों ने हमारा सामान ले लिया है कि हम इनको छोड़ दें? आप क्या करेंगे? मेरा लगा, मेरा लगा। आप लड़ेंगे इनसे? आप शक्तिमान है, क्या कर रहे हैं आप? चल जाइए इधर से आप। हाँ जाइए, चलो। ये सब आपस में मिले हुए हैं, इन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, हम जाते हैं। अब शक्तिमान भैया आप सबसे निपट लेंगे। ले भाई साहब, शक्तिमान को बोलना इधर रुपया पैसा लेके आवे जुगाड़ करने को। चल निकल ले, फुट ले इधर से। अरे भाई साहब, भाई साहब ये लाल नगर कहाँ है? आपको इतना भी नहीं पता? मुझे पता होता तो आपसे क्यों पूछता? क्या आपको पता है? हाँ तो बताइए कहाँ है लाल नगर? अरे भाई लाल नगर और कहाँ हो सकता है? लाल नगर, लाल नगर में है। लेकिन ये लाल नगर है कहाँ? वो हमें नहीं पता, आप जाकर किसी और से पूछ लीजिए। जाइए। किस बेवकूफ से पाला पड़ गया मेरा? ऐसे समय टपकोगे तो बेवकूफी की बातें करनी पड़ेगी ना। चलो चलते हैं। अंकल अब ये कौन ना टपका? क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं कुछ नहीं। झूठ मत बोलो, शक्तिमान के ऐसे घूमने वाले थे ना आप? ऐसे घूमोगे तो चक्कर आएंगे तो गिर जाओगे। ऐसे केवल शक्तिमान ही घूम सकता है क्योंकि उसके पास पावर है, दिव्य शक्ति है, समझ गए ना? हाँ भाई समझ गए। तो फिर घूमना छोड़ो और घर जाओ। हाँ अब तुझे क्या बताएं कि हम ही शक्तिमान है। अरे यार दिन में 4-5 बकरे से मिल जाएंगे। अरे शक्तिमान, अरे तो शक्तिमान है। अरे अब क्या होगा? अब क्या होगा?
तो तुम लोग शहर में गंदगी फैला रहे थे, भूल गए थे कि जहां शक्तिमान रहता है वहां कोई बुरा काम नहीं कर सकता, और जो कोई बुरा काम करता है सजा पाए बिना नहीं रह सकता। और आप लोग भी उतने ही दोषी हो जितने कि ये लोग। आप लोगों की आंखों के सामने ये लोग जुआ खेल रहे थे और आप लोग खड़े खड़े देख रहे थे। यदि आप चाहते तो इन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर सकते थे। अब आप लोग इन्हें पुलिस के हवाले करेंगे या ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा? परंतु वो सामान तो मुझे ही मां तक पहुंचाना पड़ेगा। सामान उठाकर लाने की क्या जरूरत थी, किसी मजदूर को ले आते। ये तुम कह रही हो माँ? याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तुम कहा करती थी कि मनुष्य को अपना भार स्वयं उठाना चाहिए। अपना भार कहा था बेटे, सारे बाजार का भार नहीं। अरे माँ, तुम्हारे लिए ये बाजार क्या, हम तो पहाड़ का पहाड़ उठा कर ला सकते थे। हटो माँ, आजकल के लोग इतना छोटा दरवाजा क्यों बनाते हैं? कमाल कर रही हो माँ, मुझसे कहती हो बाजार से सामान लाने को और खुद हंसे चले जा रही हो। ठीक है पता नहीं सारा सामान लाया भी होगा या नहीं। अरे देखो पूरे सामान ले आया हूँ। अरे सामान उतारो भी तो, चलती फिरती दुकान लग रहा है तुम। कोई होता तो तुम ही से खरीद लेता। अरे खरीदने आया था, आई थी। अच्छा हाँ। कौन? अरे एक मोहतरमा थी, वो अपने पतिदेव को मारने के लिए ये बेलन खरीदना चाहती थी मुझसे। मैंने कह दिया नहीं, ये बेलन मैं अपने माता श्री के लिए लेकर आया हूँ। अच्छा? ये लो, बच गया पतिदेव। क्या क्या लाया है तूने? आज सब कुछ लाया हूँ माँ, सब कुछ लाया। ये देखो, ये घंटी, ये शीशा, ये सुपनी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, अब ये सब रखने में मदद नहीं करेगा मेरी? अरे नहीं नहीं, मुझे तो कॉलेज जाना है माँ। अच्छा ठीक है, मैं ही धीरे धीरे सब कुछ कर लूंगी। गीता बेटी ठीक कहती थी, अगर तेरी शादी हो जाती तो कम से कम बहू तो होती मेरा हाथ बटाने के लिए। लो वत्स गंगाधर, अब माँ भी उसके स्वर में बोलने लगी। और मुझे तो लगता है गीता तुझे पसंद भी करती है। तूने कभी सोचा है रे उसके बारे में? क्यों आफत बोल लेना चाहती हो माँ, पहले वाला जमाना नहीं रह गया है जब बहुएं सास की सेवा किया करती थी, उनके कहने पर चला करती थी। आजकल की बहुएं खतरनाक हो गई है माँ, बात बात पर सास से झगड़ा करती है, उल्टा सास से अपनी सेवा करवाना चाहती है। रहने दे, जो बहुएं सास से झगड़ती होगी ना वो सास भी वैसी ही होती होगी। अब तू मुझे साफ साफ बता, तुझे गीता पसंद है या नहीं? नहीं तो मैं तेरे लिए दूसरी लड़की ढूंढती हूँ। हाँ। उफ़ माँ, तुम्हें कोई अपना हाथ बटाने वाला चाहिए ना, तो ठीक है मैं ही तुम्हारा हाथ बटा देता हूँ। लो ये सारी चीजें मैं ही रख देता हूँ अंदर। आओ, आओ। चल भैया सजा देते हैं इन्हें। लगता है माँ ने साल भर के बर्तन एक ही दिन में धो दिए, अब इन्हें कहाँ रखूं? हाँ ये जगह खाली है।
सुनो तो सही, माँ सोच क्या रही है? पसंद तो ये गीता को ही करता है, मगर मुझसे कहने में शर्माता है। ओ, षड्यंत्र में फंसते जा रहे हो गंगाधर वत्स, कुछ करना पड़ेगा, लेकिन पहले मां की मदद कर देते हैं। बर्तनों को उनके सही स्थान पर रख देते हैं। अरे, तूने इतनी जल्दी इतने सारे बर्तनों को सजा कैसे दिया? वो जल्दी कहाँ है माँ? अब वो मुझे कॉलेज जाना है माँ, बहुत देर हो रही है। भविष्य में ऐसी गलती भारी पड़ सकती है वत्स, माँ को पता चल सकता है कि मैं ही शक्तिमान हूँ। शक्तिमान के बारे में हमारे रिपोर्टर्स काफी खबर लाते हैं, लेकिन हादसों के समय कोई भी रिपोर्टर लाइव कवरेज के लिए नहीं रहते। सिर्फ बड़ी बड़ी मुसीबतों से ही नहीं, बल्कि शहर की छोटी छोटी समस्याओं पर भी नजर रखता है शक्तिमान। सड़क पर सरेआम जुआ चलाने वाले गैंग को पकड़कर शक्तिमान ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि अपराध छोटा हो या बड़ा, चाहे साहेब जैसा बड़ा अपराधी हो या सड़क छाप छोटा अपराधी, शक्तिमान की निगाहों से कोई नहीं बच सकता है। आज शहर में चारों ओर शक्तिमान के इस कारनामे। शक्तिमान, 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 लगता है सारे न्यूज चैनल के पास शक्तिमान के अलावा और कोई दूसरी न्यूज ही नहीं है। चैनल न्यूज, अगर यही सारे चैनल न्यूज शक्तिमान को जरूरत से ज्यादा बड़ा बता सकते हैं, तो यही चैनल न्यूज शक्तिमान को बदनाम भी कर सकते हैं। ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? हेलो, हेलो मिस्टर कुमार रंजन उर्फ साहब, कौन बोल रहा है? हेलो, आवाज बदलने से तुम्हारी असलियत नहीं बदल सकती है। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? अंधेरे का नुमाइंदा, अंधेरे ने ही तुम्हें दी है शक्तिमान को बदनाम करने की कल्पना। अंधेरा कायम रहे कुमार रंजन उर्फ साहब। अंधेरा कायम रहे, मगर तुम टीवी में। अंधेरा चारों तरफ छा रहा है, क्योंकि अब अंधेरा चाहता है कि टीवी जैसे माध्यम भी उसे आगे बढ़ाएं। शक्तिमान जैसे सच्चाई के योद्धाओं का प्रचार करने के बजाय लोगों के बीच उसे बदनाम करें और धीरे धीरे लोगों के जीने के ढंग को, संस्कृति को, सभ्यता को पूरी तरह बदलकर सबको पापी बना दे, तभी चारों तरफ फैल सकता है अंधेरा। दुनिया के कई देशों में हमारे ऐसे सैटेलाइट न्यूज चैनल खुल चुके हैं और हम चाहते हैं इस देश में ऐसा ही एक सैटेलाइट टीवी चैनल तुम चलाओ, साहब उर्फ कुमार रंजन। मैं? हाँ, तुम। तुम भी अभी यही सोच रहे थे ना कि टीवी के जरिए शक्तिमान को बदनाम किया जा सकता है? हाँ,
मगर कोई भी सैटेलाइट टीवी चैनल खोलना मजाक नहीं होता है। उसके लिए काफी पैसों और सोर्स की जरूरत होती है, और वो सब कुछ अंधेरे की जिम्मेदारी है। तुम अपनी टीम बनाने के बारे में सोचो, बाकी सब कुछ रुबिन्स की मुडारका संभाल लेंगे। रुबिन्स की मुडारका? कौन है ये रुबिन्स की मुडारका? वो भी अंधेरे का नुमाइंदा है। उसका अपना सैटेलाइट है। तुम्हारे चैनल का ट्रांसमिशन उसके सैटेलाइट से हो जाएगा। बस तुम अपनी टीम बनाओ। तुम चाहो तो 15 दिनों में शुरू कर सकते हो अपना चैनल। टीम के बारे में तुम बेफिक्र रहो, और रही शक्तिमान को बदनाम करने की बात, तो मैं उसे इतना बदनाम कर दूंगा कि वो घबरा कर लोगों के बीच में आना बंद कर देगा। इतना आसान नहीं है वो। नामुमकिन भी नहीं है मेरे लिए। अगर तुमने सचमुच ऐसा कर दिया तो अंधेरा तुम्हें भी रुबिन्स की मुडारका जैसी हस्ती बना देगा। क्यों, यही ख्वाहिश थी ना तुम्हारी? जी। पूरी हो जाएगी, पहले हमारी ख्वाहिश पूरी करो। अंधेरा कायम रहे। अंधेरा कायम रहेगा। इसका मतलब अब मुझे प्राइवेट न्यूज चैनल की तैयारी करनी होगी। उसके जरिए मैं शक्तिमान को बदनाम कर दूंगा, और इस काम में मेरी मदद करेगी गीता विश्वास। हर चिट्ठी में एक सवाल है। मतलब कि जितना चिट्ठी है उतना सवाल है। यस गीता जी। अरे सबसे बड़ा सरप्राइज का बात तो यह है कि अभी तक हमारा शक्तिमान कॉमिक का ओनली 2 एडिशन मार्केट में आया है, लेकिन लोगों ने इतना सारा क्वेश्चन पूछ लिए। दे वांट टू नो व्हाट वाज द रियल स्टोरी ऑफ शक्तिमान, उसका चाइल्डहुड कैसा था। हाँ पिता, और वो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि वो कौन से स्कूल में जाता था। वो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि शक्तिमान बचपन में खाता क्या था, और उसका लव अफेयर हुआ था या नहीं। ऐसे ढेरों सवाल इन चिट्ठियों में पड़े हैं दीदी, और यहाँ तक कि कुछ संस्थाएं तो शक्तिमान को अपने यहाँ ऐसे चीफ गेस्ट भी बुलाना चाहती है। और इस काम के लिए शक्तिमान को ज्यादा से ज्यादा पैसा भी देना चाहती है। उन्हें लिख दो बाबा कि हम शक्तिमान की कॉमिक्स निकालते हैं, हम शक्तिमान के सेक्रेटरी नहीं, जो उनके कहने पर हम उन्हें उनके फंक्शन में ले जाएंगे। पर गीता, शक्तिमान से जुड़े हुए इन सवालों का क्या करें? तो उन्हें यह भी लिख दो कि उनके काफी सवालों का जवाब शक्तिमान कॉमिक्स के आने वाले एडिशन में मिल जाएगा। ओके? और सुधांशु जी, इन सवालों को आप एक पेपर पे नोट करके मेरे कैबिन में छोड़ दीजिए। ये सारे सवालों को? ऑफ कोर्स। और मैं लिखूंगा? तो फिर कौन लिखेगा? वो क्या? मैं देखती हूँ। हेलो, भीष्म पब्लिकेशंस। पहचाना हमें? मिस्टर कुमार रंजन, कहिए कैसे फोन किया आपने? आपने पहचान लिया, आपसे मिलने की परमिशन चाहता था। तो आ जाते, आपको यहाँ आने के लिए परमिशन की जरूरत थोड़ी ना है। इसीलिए मैं एक बिन बुलाए मेहमान की तरह आपके सामने हाजिर हो गया। मिस्टर कुमार, आज शायद आप मजाक के मूड में हैं। नहीं गीता जी, मैं मजाक के मूड में नहीं, बल्कि बहुत खुशी के मूड में हूँ। अच्छा? जी हाँ, मैं आप लोगों को एक साथ दो दो खुशखबरी देने आया हूँ। खुशखबरी? Really? जी हाँ, एक खुशखबरी मुझसे जुड़ी है और एक खुशखबरी आपसे जुड़ी है। मुझसे? अब मेरा मतलब है आप सब लोगों से। अब आपसे जो जुड़ी खुशखबरी है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले आपसे जुड़ी हुई खुशखबरी सुनाइए। ऐसा करें? जी। तो ठीक है, सुनिए दोस्तों, अगले 10-15 दिनों में मेरा सैटेलाइट न्यूज चैनल खुलने जा रहा है। वाह!
अरे भाई ठहरो ठहरो, थोड़ी सी मुबारकबाद बचा कर रखो, थोड़ी सी मुबारकबाद गीता जी को भी देनी है। गीता जी, जो खुशखबरी आपसे जुड़ी है वो अब मैं बताने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे न्यूज चैनल में आप रिपोर्टर बनकर काम करें। एक ऐसी रिपोर्टर जो मुझे शक्तिमान की न्यूज ला कर देगी। कांग्रेचुलेशन दीदी, ये काम तुमने पहले भी किया है और अब भी बहुत अच्छा करोगी। क्या बात है गीता जी, क्या आपको मेरी ऑफर पसंद नहीं आई? नहीं, ऐसी बात नहीं है मिस्टर कुमार रंजन, वो तो आप मेरी न्यूज चैनल को ज्वाइन कर रही हैं। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं ज्वाइन करेंगे कुमार साहब? और किताब इतना बड़ा चांस दोबारा किधर मिलेगा तुमको? अयो गीता जी, दिस इज द गोल्डन चांस फॉर यू, आई टेल यू। हाँ हाँ गीता, तुम ज्वाइन कर रही हो ना? प्लीज दीदी ज्वाइन कीजिए ना। मैं चाहता हूँ कि मेरे न्यूज चैनल में आपकी जैसी सच्चाई से लड़ने वाली रिपोर्टर हो। बल्कि मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि सिर्फ गीता जी ही नहीं, इनके साथ साथ आप सब लोग भी प्लीज मुझे ज्वाइन करें। अयो गोल्डन चांस फॉर अस आल्सो, कुमार साहब मेनी मेनी थैंक्स टू यू, मेनी मेनी थैंक्स टू यू, थैंक यू वेरी मच। कुमार जी, मैं सोचकर आपको बताऊंगी। पर गीता जी, इसमें सोचने वाली क्या बात है? मिस्टर कुमार रंजन, चैनल को ज्वाइन करना एक बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा डिसीजन मैं बिना सोचे कैसे ले सकती हूँ? मैं सोचकर आपको फोन करके बता दूंगी। ठीक है गीता जी, मुझे आपके फैसले का इंतजार रहेगा। अब मैं चलता हूँ। एनीवे थैंक्स फॉर द ऑफर मिस्टर कुमार रंजन। ओके बाय। बाय। मगर हाँ, अगर आपका फैसला हाँ में हुआ तो मुझे बहुत खुशी होगी। सी यू, बाय एवरीबॉडी। बाय कुमार साहब। मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। हैं? अरे आखिर ये गीता को क्या हो गया है? पता नहीं। सुधांशु जी, शी इज गोइंग टू मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यू नो। गीता को क्या हो गया? कुमारंजन ने ऑफर तो बहुत अच्छी दी है, लेकिन गंगाधर से बात किए बिना मैं कोई फैसला कैसे कर सकती हूँ? और फिर गंगाधर के साथ के बिना शक्तिमान की न्यूज में कैसे लाऊंगी? इसके लिए गंगाधर को मनाना ही पड़ेगा। एक काम करती हूँ, उसे फोन करती हूँ। हे भगवान, कितने कंकर है इस गेहूं में। पता नहीं आजकल के बनिए लोग इतनी मिलावट क्यों कर देते हैं। अगर घर पर गंगाधर नहीं है तो माँ जी तो होंगी ना? ये फोन भी अजीब झंझट है, आज तक कभी बात नहीं की फोन पर। पता नहीं कौन होगा, क्या बोलूंगी मैं? क्या बात है, कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? क्या करूं मैं? अच्छा हुआ खुद ही चुप हो गया। एक बार फिर ट्राई करती हूँ। फिर बजने लगा, अब मैं क्या करूं? Thank you.
लगता है उठाना ही पड़ेगा, लेकिन बोलूंगी क्या, पता नहीं कौन होगा क्या पूछेगा। हाँ बोल दूंगी, घर पे कोई नहीं है, बाद में फोन कर लेना। पता नहीं किसी को बात करनी थी तो घर पे आके बात कर लेता। किसने फोन निकाला ये? पता नहीं इसको पकड़ते कैसे हैं। हेलो माँ जी। हाँ गांव में देखा था किसी को हल्लू कहते हुए। हेलो माँ जी। हेलो हेलो हल्लू हल्लू, घर में कोई नहीं है, बाद में फोन कर लेना। हेलो हेलो माँ जी, गीता बोल रही हूँ, प्लीज फोन मत रखिएगा। अरे गीता। माँ जी गंगाधर घर पर है? नहीं गीता, पढ़ाने गया पढ़ाने। माँ जी आप इतना चिल्ला कर क्यों बोल रही हैं? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जो भी बात करनी है घर पर आकर कर लेना, फोन पर बात मत कर मुझसे। लगता है घर पर जाकर ही बात करनी होगी, चलती हूँ। हाँ गीता, वो गीता 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 जी आप मैं जानती हूँ आप लोग क्या पूछना चाहते हैं, यही ना कि मैंने क्या फैसला किया है। बोलो। तो सुनिए, मैंने ये फैसला किया है कि अभी मैं कोई फैसला नहीं करूँगी। मगर गीता भूलो मत, ये हमारे कैरियर का भी तो सवाल है। उससे ना हम लोगों का नाम बढ़ेगा, उनके पैसा भी ज्यादा मिलेगा। हाँ गीता जी, घोष बाबू एकदम करेक्ट बोलते हैं। मैं इस बात को अच्छी तरह से समझती हूँ, और सच पूछे तो मैं भी चैनल ज्वाइन करना चाहती हूँ। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम अभी कुमार साहब को जाकर हॉक क्यों नहीं बोल देती हो? हाँ गीता जी, इसके लिए गंगाधर को राजी होना जरूरी है। ये गंगाधर अचानक पिक्चर में कहाँ से आ गया भाई? और इस काम में गंगाधर का क्या मतलब है गीता? गंगाधर का क्या मतलब है? शायद आप लोग भूल रहे हैं, पहले भी शक्तिमान की न्यूज में अकेली नहीं, गंगाधर के साथ लाया करती थी घोष बाबू। इसलिए मैं चैनल से तब जुड़ूंगी जब गंगाधर मेरे साथ जुड़ेगा। मैं गंगाधर से यही बात करने अभी उसके घर जा रही हूँ। लगता है गीता ये गोल्डन चांस हमारे हाथों से निकलवा कर रहेगी। अरे गंगाधर ने तो लाइन छोड़ दिए, टीचिंग करने लगा है वो, टीचिंग करता है। करेक्ट, 100% करेक्ट। हाँ सुधांशु जी ये एकदम ठीक बोलते हैं जी। अरे जब हमने शक्तिमान के कॉमिक का बिजनेस शुरू किया था तब गंगाधर अपना टीचिंग लाइन छोड़कर हमारे साथ नहीं आया था। तो इस चैनल के बिजनेस में कैसे आएगा जी? मैं बोलता हूँ पता नहीं, ये गीता को कभी कभी सड़क क्यों चढ़ जाती है सड़क। हाँ दीदी जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है, समझे? भगवान ने चाहा तो गंगाधर जी जरूर मान जाएंगे। हम मानेंगे अगर तुम लोग हमारे साथ खेल कर दिखाओ। आओ आओ, हाँ फेंको मेरी तरफ, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे फेंको इधर 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 इधर, फेंको फेंको, आओ हाँ अब इसको पकड़, आप फेंको मेरी तरफ, पकड़ो आप फेंको मेरी तरफ, हाँ तुम लोगों ने चश्मा गिरा दिया मेरा, आप फेंको, अरे फिर गिरा दिया तुम लोगों ने, अरे भाई संभाल के खेलो, हाँ हाँ छीन के दिखाओ मुझे, राजू इधर फेंक इधर फेंक इधर फेंक, ओ बिल्लू इधर, हाँ एक ये लो पकड़ो इसको, एक पकड़ के दिखाओ शिवम, हाँ छोड़ दिया, डाई मारना चाहिए, एक कैच छोड़ने से कभी कभी क्रिकेट की टीम हार जाती है मालूम है तुम्हें, बेटा अरे अरे मुझे, हाँ देखा ऐसा कैच पकड़ते, पकड़ के दिखाओ पकड़ के दिखाओ, अरे अब फेंक, हाँ इधर लो इधर लो। अंकल देखो कैसा बादल है। बुद्धू वो नानी की कहानी का राक्षस है, वहाँ से देख रहा है ना अंकल? हाँ
नानी की कहानी का राक्षस? हाँ हाँ, नानी की कहानी का राक्षस है, मगर ये तो सचमुच का राक्षस है। इसका मतलब है शहर खतरे में है, कुछ करना होगा। ये तो पूरे शहर पर जहरीला धुआं छोड़ रहा है, इसे रोकना होगा। क्या हुआ दोस्तों, क्या हुआ, क्या हुआ, कहाँ ऊपर? घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। आप सभी लोग एक तरफ हो जाइए, चलिए एक तरफ हो जाइए, चलिए। शक्तिमान, तुम इस शहर के लोगों को मेरे कहर से बचाना चाहते हो? तुम इस शहर के लोगों को मेरे कहर से नहीं बचा सकते। कौन हो तुम? मैं इस शहर पे मंडराने वाली तबाही हूँ, तबाही। मेरा नाम है स्मोक मैन। मेरे जन्मदाता इस शहर के लोग हैं, इस शहर के लोग जिन्होंने मुझे गाड़ियों, सिगरेट और कल कारखानों के धुएं से पैदा किया, और अब मैं अपने जन्मदाताओं को मिटा कर रहूंगा इस शहर को। तुमने मेरे जहरीली गैस को वापस भेज दिया शक्तिमान, मगर अब मैं लिक्विड बनकर इस शहर पे बरसने जा रहा हूँ। इस शहर पर होगी जहरीली बरसात। अगर तुम रोक सकते हो तो मुझे रोक कर दिखाओ शक्तिमान, रोक कर दिखाओ। इस बारिश को जमीन तक नहीं आने देना, इसे रोकना होगा। ये गैस से लिक्विड बना है, मैं इसे ठोस बना दूंगा। ऐसे ही अंतरिक्ष में हमेशा घूमते रहो स्मोक मैन। और मुझे यकीन है पृथ्वीवासियों, तुम लोग स्मोक मैन जैसे शैतान बनाने से बाज नहीं आओगे, मगर फिक्र नहीं करो, मैं भी अपने काम से बाज नहीं आऊंगा। जब मेरा गंगाधर छोटा था तब उसको सूजी का हलवा बहुत पसंद था, इसको भी पसंद होगा। आ गई। आ रही हूँ बेटी, आ रही हूँ। अरे बाबा आई। हाँ। अरे तू आया हुआ है क्यों? कोई और भी आने वाला है क्या?
हाँ बेटा, कोई और भी आने वाला है। अरे कौन आने वाला है माँ, इतने बड़े शहर में इतनी जल्दी किससे पहचान बना ली तुमने? फिर तूने समझ के क्या रखा है मुझे? ओ, लगता है तुमने मेरी कोई मनपसंद चीज बना रखी है। देखो तो सही, हलवा। ओ, हो, 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 पहले उसे नीचे रख। अच्छा नीचे रख कर खाऊं? ठीक। नहीं बेटा अभी नहीं, जिसके लिए बनाया है उसे तो आने दे। अरे भाई कौन आने वाला है? आने वाला नहीं, आने वाली। बिट्टे मुंह, आप कैसी हैं माँ जी? अरे गीता बेटी, आजा बेटी आजा, मैं तेरा इंतजार कर रही थी बेटी। बैठ गीता, मैंने तेरे लिए सूजी का हलवा बनाया है, देख। हलवा? माँ जी आपको कैसे पता ये मेरी फेवरेट डिश है? क्या मेरा मतलब है ये मेरी मनपसंद डिश है। अच्छा अच्छा, गंगाधर की भी ये मनपसंद? हाँ। दे डिश माँ जी। डिश यानी कि प्लेट, यानी कि ये जो है ना, ये प्लेट है ना, इसको डिश कहते हैं, ये मेरी मनपसंद। माँ जी मैं भी आपके लिए कुछ लाई हूँ। अच्छा ये देखिए अचार। ओ, तो आज रिश्वत लेकर आई है। माँ जी माँ ने इसे खास आपके लिए बनाया है। जब मैंने माँ को आपके बारे में कहा ना, तो कहने लगी कि घर के बने अचार के बिना उन्हें खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, जाओ फौरन देकर आओ। अब मैं फौरन कैसे ले आती, इसलिए मैं इसे ऑफिस ले गई और अब लेकर आ रही हूँ। तुम्हारी तरह तुम्हारी माँ भी बहुत अच्छी है बेटी। आप भी तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। तुम मुझे अपनी माँ ही समझ बेटी। माँ ही समझ कर तो मैं रोज रोज यहाँ आ जाती हूँ माँ जी। सच पूछिए तो मेरा यहाँ से जाने को जी ही नहीं करता है, इच्छा होती है कि हमेशा आपके साथ ही रहूं। परंतु जाना तो पड़ता है ना, समय हो रहा है, जाइए जाइए, आपकी माताश्री आपका इंतजार कर रही होगी, जाइए 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 जाइए। क्यों भगा रहा है तू उसे? घर आए मेहमान से ऐसे बात की जाती है? माँ जी मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। शिव 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 बेटी, मैंने इसे क्या कह दिया? आपने पल में मुझे पराये जो बना दिया। बनाया क्या, जो सत्य है वो सत्य ही होता है ना देवी। तू चुप कर बेटी, मैं भला तुझे क्यों पराया समझने लगी? अभी अभी आपने मुझे मेहमान जो कहा माँ जी। अरे ये तो ऐसे ही मुंह से निकल गया बेटी। सच मुझे भी अच्छा लगता है जब तुम यहाँ आती हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा यहीं रहो। परंतु ये रह नहीं सकती माँ, ये चाहे तो भी नहीं रह सकती, क्योंकि इनके पास अपना घर है ना, इनके पास अपनी माता श्री है ना। अब तो चुप कर। हाँ बेटी बता, क्या बोलने वाली थी तू? दरअसल माँ जी वो मैं ना। हाँ हाँ बोलो। गंगाधर को ना मैं एक बंधन में बनना चाहती हूँ। गीता जी,